मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। चुनाव के पहले कर्मचारियों ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी आए दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 6 संगठनों ने मिलकर राजधानी के सतपुड़ा भवन के बाहर धरना दिया, जिसमें उन्होंने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया है। लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर आगामी 4 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के 4-5 बड़े संगठन जिन्होंने संयुक्त मंच का गठन करके 5 चरणों में आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ, राजस्व कर्मचारी संघ और पेंशनर संघ। हम लोगों ने 17 सूत्री मांगों का नोटिस सरकार को दिया था और समय से दिया था, 1 महीने पूर्व सरकार हम लोगों से चर्चा करेगी, लेकिन सरकार अभी तक चर्चा नहीं की, जिसके कारण आज प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हमारा प्रदेश व्यापी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धरना चल रहा है। सरकार ने इसके बाद भी जो मांगों का निराकरण नहीं किया तो 4 अगस्त को प्रदेश के 6 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, लिपिकों की वेतन विसंगति दूर नहीं की गई, अभी तक कई कमेटियों का गठन हुआ, उस गठन के बाद उसका निर्णय भी आया लेकिन पालन नहीं हुआ। वृत्त का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक करना, जिसमें सरकार का कोई व्यय नहीं हो रहा है, उसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। केंद्र के समान वेतन देना, जैसे 4th क्लास का वेतन विसंगति दूर नहीं हो रही है, आपका हाउस रेंट अपन को नहीं दिया जा रहा, CSE तमाम जो भत्ते केंद्र सरकार के कर्मचारी को दिए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, आउटसोर्स के कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनकी कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, उनको नियमित किया जाएगा कि निकाला जाएगा। इससे दैनिक वेतन भोगी हमारे 45,000 स्थायी कर्मी कर्मचारी हैं जो नियमित होने की बात जो रहे हैं, उनको 7वां वेतन मान अभी तक नहीं मिला, उनके लिए DA की घोषणा हुई। इसी तरीके से हमारे पेंशनर्स हैं जो 9% पीछे चल रहे, इन तमाम महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। 4 तारीख को सामूहिक अवकाश लेंगे, उसके बाद सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी।